शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या तुम ये रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो यश? अगर रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? माना कि यश जी से हमारा रिश्ता सिर्फ कुछ ही दिनों का है, लेकिन जितने भी दिनों के लिए हम उनकी पत्नी है ना, उनके सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। चले, तू आ गई रिचा। हम जानते ही थे कि तू सुबह सुबह ही आ जाएगी। हाँ, वो यश और मुझे किसी काम से बाहर जाना था तो हाँ, हमें तेरा काम वाम सब अच्छे से पता है। तेरे हाथ में कुछ है क्या? चलें रिचा। एक मिनट, आप दोनों यहीं रुकना, हम आते हैं। क्या करने वाली है अंजलि? पता नहीं, हमेशा की तरह आज भी हमने खीर बनाई थी, आप दोनों खाकर ही जाइएगा। ये लो। अंजलि, हम वापस आकर खा लेंगे, अभी थोड़ा जल्दी में है। चले यश। एक मिनट रिचा, तू हमारे साथ आ, इधर आ। ये देख, आज सुबह सुबह हमारे गोपाल ने हमें ये गिफ्ट दिया है। वाओ, तेरे गोपाल तो बहुत कमाल के हैं। ऐसे हमारी अंजलि भी कमाल की है ना यश? बिल्कुल सही। चलो, कम से कम हमारे गोपाल तो हमें गिफ्ट देना नहीं भूले। थैंक यू गोपाल। अभी क्या कहा अंजलि ने? गोपाल उसे गिफ्ट देना नहीं भूले? आज कुछ है क्या? आज डेट क्या है? 7 जुलाई। ओह माय गॉड, मेरे दिमाग से कैसे निकल सकता है, आज अंजलि का बर्थडे है। यश, एक काम करते हैं, हम ना बड़े दादू के पास कल चले जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज उसका बर्थडे ना खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वो सब कुछ करेंगे जो उसे पसंद है, क्या पता ये उसका आखिरी बर्थडे। तुम एकदम ठीक कह रही, मुझे बताओ अंजलि को क्या क्या पसंद है। सब बताऊंगी। सबसे पहले ना हम सारी सजावट की चीजें ले लेते हैं, उसके बाद तुम अंजलि को गिफ्ट लाने के बहाने बाहर ले जाना। तब तक मैं यहाँ पर सारी तैयारियां कर लूंगी। ओके ओके। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. कल रात 12 बजे से तेरे फोन का इंतजार कर रहे थे हम, तो भूल गई थी ना? तेरा बर्थडे नहीं भूली थी, बस ये भूल गई थी कि आज तारीख कौन सी। माफ कर दे यार प्लीज।
कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं। आजकल तो तेरे दिमाग में तेरी शादी की बातें घूमती होंगी, है ना? अब हमारे जन्मदिन की तारीख कहाँ याद रखेगी तू? अंजलि, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू यश जी। वेरी टेस्टी अंजलि। अंजलि, हम एक काम करके आते हैं, तुम तैयार रहना, हम वापस आएंगे फिर हम सब बाहर चलेंगे। बाहर? अब बाहर कहाँ जाएंगे यश जी? वो सरप्राइज है। सरप्राइज? चलो। अंजलि, अंजलि, समझ गए, लाला जी हमें जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। जल्दी से अपना सामान बांध ले, हम अभी के अभी यहां से जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं लाला जी? मुझे सब पता चल गया है। से लेकर आज तक अलका ने तेरे साथ क्या क्या किया है, कि 90 दिन की शादी में भी तुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है उसने। बस अब बहुत हो गया। कान्हा जी जानते हैं कि मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी ही माना है। मैं तुझे और दुख नहीं झेलने दूंगा। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं मां भाभी। बहुत सह लिया इसने, अब इसे और नहीं सहने दूंगा। अभी के अभी इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएंगे इसे? ले जाएंगे इसे? ले जाएंगे इसे? ले जाएंगे? बात तो 90 दिन की हुई थी ना, अभी तो 27 दिन बाकी है। आप तो ऐसे कह रही हैं ताई जी, जैसे किसी चीज का सौदा हुआ हो 90 दिन के लिए। इंसान है मेरी बच्ची, कोई वस्तु नहीं है जिसे आप जितने दिन तक चाहें इस्तेमाल कर सकती है। बस अब किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। चल।
लाला जी, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? वैसे भी हमसे किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना की है। हम जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे यहाँ रहने से हमारी रिचा की खुशियां जुड़ी है। उसकी खुशी के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं लाला जी। और तेरी खुशी का क्या? हमारी खुशी तो हमारे अपनों की खुशी में है। और आप ये सोचकर क्यों परेशान हो रहे हैं कि बहू जी ने हमारे साथ क्या किया? बहू जी तो हमारी माँ की जैसी हैं। लाला जी, आपकी माँ ने भी तो गलती करने पर आपको डांटा होगा ना? कभी कभी तो पिटाई भी लगाई होगी। अब उस बात को पकड़ के क्यों बैठना? ये हमारी रिचा की होने वाली ससुराल है लाला जी। 27 दिन तो रह ही गए हैं, फिर हमारी रिचा बहू बनकर इस घर में आ जाएगी। फिर रिचा खुश रहेगी ना तो हम भी खुश रहेंगे, बहू जी भी, यश जी भी और हम भी। और आपको पता है, मुकेश काका है ना, वो हमें बिल्कुल आपके जैसा प्यार देते हैं। और छोटी दादी बिल्कुल माई जैसा। और लाला जी, जब लड्डू गोपाल साथ तो फिकर की क्या बात है। शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत बड़ा पाप किया था जो इस जन्म में मेरी बेटी बनकर नहीं आई। फौरन उसे बता दूंगा कि वो कहीं और नहीं, अपने पिता के घर में ही पली बड़ी। इस खुशी पे अंजलि का पूरा हक है और ये हक उसे जरूर मिलना चाहिए। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं लाला जी? इस जन्म में भी तो हम आपकी बेटी हैं। सुबोध कहाँ है? उसे बुलाओ जल्दी। वो तो
नहीं है, काम से बाहर गए हैं, शायद वापस लौटने में देर हो जाएगी। और जहां कहीं भी है उसे फोन करो और फौरन बुलाओ, उसे कहो कि हमने उसे बुलाया है अभी इसी वक्त। जी ताऊ जी, आप बैठिए। बड़े भाऊ जी, पानी लीजिए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। चाय तो क्या, हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे। सुबोध को बुलाओ जल्दी। जी ताऊ जी। हेलो उमा भाभी, ताऊ जी यहाँ अचानक आ गए हैं। आप कुछ भी करके ऋचा के पापा को वहीं रोके रखिए। ताऊ जी अलका भाभी के घर पहुंच गए, हमें किसी तरह से सुबोध भाई साहब को यही रोकना होगा। जल्दी चलिए। सुबोध भाई साहब, सुबोध भाई साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं। भाभी ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? ऐसा करती हूँ, मैं ही फोन करके देख लेती हूँ, पता तो चले आखिर हुआ क्या है। ताऊ जी, आप अचानक यहाँ? रुक जाओ अलका। ताऊ जी, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सुबोध, इसीलिए हमें यहां आना पड़ा। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। धोखा? मेरे साथ धोखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ताऊजी आप किस धोखे की बात कर रहे हैं? यश की कुंडली दोष के बारे में तुम लोगों से झूठ बोला गया है। आज हमने सबके लिए खीर बनाई है, ये लीजिए, ये लीजिए। नहीं बेटा, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आपने सुबह से कुछ भी नहीं? थोड़ी सी खा लीजिए। तेरी बात कैसे टाल सकता हूं बेटा? दादी, अंजलि तुम भी हमारे साथ बैठ के खीर खाओ। नहीं नहीं, हम बाद में खा लेंगे, अभी पहले उमा काकी और बड़ी दादी को तो दे दे। कोई जरूरत नहीं।
मेरा मतलब है केशव भैया दे देंगे ना। केशव भैया दो, छोड़ो 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 छोड़ो, दे दो उन्हें। आओ तुम हमारे साथ बैठो। चलो अंजलि बैठो, आ जाओ, लो बैठो बैठो बैठो, लो। तो क्या यश की कुंडली में कोई दोष नहीं? दोष है, बहुत बड़ा दोष है, और उस दोष को तुम्हारे सामने बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ताऊजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? कैसे गलत तरीके से बताया गया हमें? पर क्यों, जो हमें बताया गया अगर वो सच नहीं है तो फिर सच क्या है ताऊजी? तुम लोगों को ये बताया गया कि यश की पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी, बल्कि सच तो यह है कि जिस लड़की से यश का विवाह होगा 90 दिन में वो लड़की मर जाएगी। नहीं, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब पहली बार हमने यश की कुंडली देखी थी तो हमारा भी दिमाग घूम गया था। अनेक तरीके से हमने उसकी कुंडली की गणना की, लेकिन परिणाम वही का वही। इसीलिए हमने कहा था कि यश का विवाह हो ही नहीं सकता। अंजलि का विवाह यश से करवा के तुम लोगों ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। अंजलि मर जाएगी सुबोध, तुम्हारी अंजलि मर जाएगी। Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me. अनोखे बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।